गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आपने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि जब भी कोई लाइट रे किसी इंटरफेस के नॉर्मली गिरती है तो हमें कुछ नहीं सोचना होता, उस लाइट रे को स्ट्रेट जाने देना, ठीक है। और जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तब भी हमें कुछ नहीं सोचना है, रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल हमने बैंड कर देनी है रे को। लेकिन जब हमारी रे डेंसर टू रेयर जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वहां पर दो पॉसिबल सिचुएशन मिलेगी हमें कि रिफ्रैक्शन होगा कि TIR होगा। तो TIR जब भी आपको डेंसर टू रेयर कोई रे जाती हुई नजर आ रही है तो एक बार वहां पर ये जरूर देख लें कि कहीं TIR तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। एक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये कोई आपके पास आइसोसेल्स प्रिज्म दे रखा है जिसका म्यू है आपका रूट टू, ठीक है। और ए बी फेस पर आपकी लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है फेस के, तो इस फेस से तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो सीधी रे जाएगी। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, हमें इस रे की ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है बेटा कि जब ये रे एसी पर पड़ेगी तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो जब रे आपकी एसी पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो डेंसर से रेयर पे जाएगी रे आपकी। सराउंडिंग मीडियम मुझे नहीं दे रखा है तो मैं अपना एयर मान के चलूंगी। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा सराउंडिंग मीडियम हो गया है एयर, ठीक है। और एयर का म्यू आपको पता है 1 होता है। तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, रे सीधी जाएगी तो मैं उसका स्ट्रेट पाथ ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। बट जैसे वो यहाँ इंसिडेंट होगी और ये मेरा नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर, तो मैं नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ये एंगल मेरा आई बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन आप मुझे ये देखना है कि रे अब इस जो भी आपका ये मटेरियल है, इस मटेरियल से बाहर आएगी एयर में, तो TIR होगा कि नहीं होगा। तो पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करता है कि डेंसर टू रेयर रे जानी चाहिए। तो मुझे फर्स्टली चेक करना है TIR के लिए कंडीशन, तो डेंसर टू रेयर वाली कंडीशन मेरी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि आई मेरा आईसी से बड़ा है कि नहीं है, आई मेरा आईसी से बड़ा है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए फिर हम चलते हैं अपने इसी डायग्राम पर। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है बेटा, ये ए बी सी आपका प्रिज्म है आइसोसेल्स, तो ये एंगल 45 और ये भी मेरा 45 राइट एंगल है, ओके। तो यहाँ से ये मेरी सीधी चली गई और इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल मेरा 45 मिलेगा मुझे, क्योंकि इन दो लाइनों के बीच जो एंगल है उनके नॉर्मल्स के बीच भी वही एंगल होगा। मैं ये बात कई बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा। चलिए तो अब मैंने क्या किया, साइन आई सी की कंडीशन मैंने यूज की। तो साइन आई सी होता है 1/μ के इक्वल। तो मैं यहाँ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आई की वैल्यू पता है। अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इससे कम आती है तो आई ग्रेटर हो जाएगा आई सी से, तो वहां पर आपका TIR हो जाएगा। अगर इक्वल आता है दोनों एंगल तो यहाँ पर ग्रेजिंग हो जाएगी, और अगर मेरा क्रिटिकल एंगल इस एंगल से बड़ा आता है तो फिर वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, TIR नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्रिटिकल एंगल चेक करने के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, और म्यू मुझे इसका गिवन है बच्चों रूट टू। ऊपर क्वेश्चन में गिवन है रूट टू, तो रूट टू वैल्यू रखी तो 1/√2 होता है साइन 45 पे, तो आई सी आपका आ गया है 45 डिग्री। तो मुझे इस डायग्राम में आई की वैल्यू पता है 45 डिग्री और आई सी भी मेरा 45 आया है, तो इन दोनों से मेरा जो आई एंगल है वो आई सी के इक्वल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो लाइट रे का यहाँ पर ग्रेजिंग हो जाता है और आर 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री आएगा तो रे जो है वो इसके अलोंग चली जाएगी, इस पॉइंट को आप ओ नाम दे दीजिए, तो ओसी के अलोंग आपकी रे ग्रेज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट भी लिख दिया है, तो रे विल ग्रेज विद ओसी, ओसी के अलोंग ग्रेज हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा चेंज हम कर देंगे, वो ये कि बाकी सारी सिचुएशन एज इट इज है, बस एयर को रिप्लेस कर देंगे हम किसी और लिक्विड से जिसका म्यू दे रखा है 4/3, ठीक है। कोई लिक्विड ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, अदर लिक्विड, बट इतना ध्यान रहे कि जो ये मीडियम है इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उससे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेस होना चाहिए, तभी आपका TIR की सिचुएशन आएगी। अदरवाइज तो फिर रेयर टू डेंसर होगा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो ये 1.4 समथिंग आती है √2 की वैल्यू, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये 1.3 समथिंग आएगी, यानी कि
इस मीडियम के कंपेरेबल ये मीडियम अभी भी रेयर है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर क्या किया, पहले मेरी जो रे है वो सीधी जानी चाहिए क्योंकि नॉर्मली पढ़ रही है, तो यहाँ तक तो मुझे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो मैंने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया और ये मेरा एंगल, ये सभी 45 उसी तरह से, तो आई अब भी मेरा 45 डिग्री है बेटा, मुझे पता है। ठीक है, अब मुझे आईसी पता करना है, तो आईसी पता करने के लिए अब सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं है तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, साइन आईसी होता है कम म्यू अपॉन में ज्यादा म्यू, तो मैं वही फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगी, कम म्यू मेरा 4/3 है, ज्यादा म्यू मेरा √2 है, तो ये 4/3 √2 आ जाएगा आपके पास, और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो √2 की वैल्यू 1.4 पुट कर दी और ये आ गया 4/4.2। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं आई है आपकी, 1 से थोड़ी सी छोटी है, अगर एग्जैक्टली 1 होती ये वैल्यू तो आईसी की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती, लेकिन अब 90 डिग्री नहीं आएगी, 90 से कुछ कम है, लेकिन इतना श्योर है कि यहाँ से हमें इतना पता चल गया है कि जो वैल्यू आपकी कब आती है 1/√2 यानी 45 पे, तो क्रिटिकल एंगल श्योरली 45 से बड़ा है, बस आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, तो यहाँ पे आपने दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कि जो ये वैल्यू मिल रही है ये जितने भी एंगल पे मिले वो एंगल मेरा 45 से तो बड़ा ही होगा, ये मुझे पता है, मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं, जो 1/√2 होता है 1/√2 पर आपकी जो एंगल होती है यानी कि साइन 45 जो होता है वो 1/√2 आता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू 1/√2 को आप सोल्व करके देखेंगे तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 4/3 टाइम्स 1/√2 की है, यानी कि 4/3 कुछ बड़ी वैल्यू है जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वैल्यू बढ़ के आई है तो एंगल भी ज्यादा आएगा 45 से, तो आपको बस कंपेयर करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया क्रिटिकल एंगल जो है वो शुड बी बड़ा होगा आपका 45 से, शुड बी ग्रेटर देन 45, तो TIR तो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इक्वल होता तो ग्रेजिंग हो जाती, इसका मतलब जो मेरी ये रे है ये रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और वो रूल फॉलो करते हुए डेंसर टू रेयर वाला, तो इस रे को कैसे जाना चाहिए था, इस रे को सीधा ऐसे जाना चाहिए था, बट डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो गई, तो ये मेरी ऐसे मेरी रिफ्रैक्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन पर आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि यहाँ पर एक रेयर मीडियम, यहाँ पे दूसरा रेयर मीडियम, बट इस मीडियम से ये मीडियम डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर हुआ है, तो फर्क क्या मिला हमें यहाँ पर कि इसमें क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री का बन रहा था बट यहाँ क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा बन रहा है, तो चेंज क्या हुआ वो देखिए आप, भाई रिजल्ट आया आईसी बढ़ गया और किसकी वजह से बढ़ गया है, इससे को चेंज किया सराउंडिंग मीडियम को, रेयर वाले मीडियम को चेंज किया, उसको थोड़ा सा ऑप्टिकली डेंसर किया, बट जो डेंसर है उससे तो रेयर ही रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सराउंडिंग मीडियम आपका इसके कंपेरेबल तो रेयर है बट पहले से डेंसर हो गया है तो क्रिटिकल एंगल इस पेयर के लिए चेंज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो सिंगल मीडियम का नहीं होता है, वो पेयर ऑफ मीडिया का होता है, यानी दो पेयर से, अब देख लीजिए यहाँ इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल आपका 45 आया था बट इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल आपका आई ग्रेटर देन 45 आया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर वही मैंने कंक्लूजन यहाँ लिखा है कि जब आपकी लाइट रे किसी इंटरफेस पर पड़ती है, ये ग्लास है और ये एयर है, एयर हमारा सबसे रेयर मीडियम है जिसका म्यू 1 है और ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई है, तो आईसी ये क्रिटिकल एंगल है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर आप कोई मीडियम चेंज करते हैं तो कैसे, डेंसर मीडियम को वही रखा, तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है, रेयर मीडियम का म्यू डेंसर मीडियम का म्यू, और डेंसर मीडियम का म्यू सेम है तो रेयर मीडियम के म्यू पर साइन आईसी डायरेक्टली डिपेंड करेगा, तो ये वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो साइन आईसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, देन आईसी की वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज करेगी, तो आप कह सकते हैं फोर सेम म्यू डी, यानी कि डेंसर मीडियम का म्यू सेम है तो आपका यहाँ पर जो मैंने बताया है साइन आईसी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेयर मीडियम के म्यू पर, इफ अगर हमारा म्यू आर बढ़ेगा
तो हमारा देन वैल्यू ऑफ साइन आईसी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ऑल्सो आप कह सकते हैं कि आपका क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा उस गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप इनको अच्छे से कर ले। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो TIR आप अच्छे से पढ़ ले, बुक से इसकी एप्लीकेशंस रीड आउट कर ले। एप्लीकेशंस पूछ ली जाती है तो उसको जस्ट रीड आउट कर लेना, नोटबुक में नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा।